सो हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह की एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताया हूँ फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ और ये भी बताया हूँ किस किस शेप का यूज किया हूँ। तो फ्रेंड्स चले चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपने फोटो को लेकर आ जाना है स्नैपशीट के अंदर। स्नैपशीट के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टाउन इमेज पे क्लिक करेंगे, हल्का से यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखिए शैडो को हल्का से इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स वर्मा को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने चेहरे पे से सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, जहाँ जहाँ आप लोग को बॉडी दिखाई दे वहाँ वहाँ सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे, इस बार देखिए इस पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से नीचे स्लाइड करके शार्पनेस को इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए यहाँ पे हीलिंग लिखा हुआ है, हीलिंग पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को ज़ूम करेंगे, जहाँ जहाँ दाना दिखाई दे वहाँ वहाँ आप लोग को ऐसे ब्रश करना है सिंपल से, तो यहाँ पर देख सकते हैं दाना हट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे, इस बार देखिए यहाँ पे ब्रश लिखा होगा, ब्रश पे क्लिक करने के बाद दूसरे ब्रश को चूज करेंगे, यहाँ से ब्रश का माइनस कर देंगे, थ्री पे रखेंगे, उसका ऐसे फोटो को जूम करेंगे, ऐसे ब्रश आप लोग को अपने चेहरे पे करना है। उसका यहाँ से डन कर देंगे। डन करना फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम के अंदर, तो यहाँ से हम फोटो को शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम आ गए अपने लाइटरूम के अंदर। लाइटरूम के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लाइट पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए यहाँ पे कंटेस्ट को हल्का सा माइनस रखेंगे, हाईलाइट्स को हल्का सा इंक्रीज, उसका शैडो को हल्का सा माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक को हल्का से इंक्रीज करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद कलर पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वाले सिचुएशन को हल्का से इंक्रीज करेंगे, वही को माइनस रखेंगे, ल्यूमिनस को हल्का से इंक्रीज, सेकेंड पे आ जाएंगे, सेकेंड का सिचुएशन माइनस रखना है, यहाँ पर ल्यूमिनस को हल्का से इंक्रीज करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएंगे येलो पे, येलो का सिचुएशन माइनस, उसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन पे आ जाएंगे, ग्रीन का भी सिचुएशन माइनस रखेंगे, यहाँ पे आप लोग को सबका सिचुएशन माइनस रखना है, सबसे लास्ट वाला सिचुएशन को आप लोग को इंक्रीज करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे देखिए आ जाएंगे, सिचुएशन को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे नीचे, नीचे आने के बाद क्लियरिटी को हल्का से इंक्रीज, फर्स्ट वाला वो भी हल्का से इंक्रीज, वाइब्रेट को माइनस रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इसको दोनों को ऑप्शन को ऑन कर देंगे, यहाँ पे सरप्राइज को हल्का से इंक्रीज करेंगे, नॉइज को भी हल्का से इंक्रीज, कंटेस्ट को हल्का से इंक्रीज करेंगे, कलर नॉइज को भी हल्का से इंक्रीज, डिटेल्स को 100, स्मूथनेस को भी यहाँ पे 100। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएंगे नीचे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से ब्रश को चूज करेंगे, अपने फोटो पर से जूम करेंगे, लिप पे ब्रश कर लेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे कलर पे आ जाएंगे, कलर पाने के बाद नीचे आ जाएंगे, इस वाले कलर को चूज कर लेंगे, उसका सिचुएशन को इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, बिफोर या आफ्टर, उसके बाद फ्रेंड्स अपने फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे ऑटोडॉक्स के अंदर। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम आ गए अपने ऑटोडॉक्स के अंदर। ऑटोडॉक्स के अंदर आने वाले यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देखिए ऊपर से आ जाएंगे 13 नंबर पे,
13 नंबर पे आने के बाद इस वाले ब्रश को चूज करेंगे, आप लोग सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग को आप लोग फ्लो को वन रखना है, थिनर को वन रखना है, साइज को अपने हिसाब से रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने फोटो को जूम करना है, सिंपल से ड्रॉ करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, चलिए स्मूथ हो रहा है, देखिए आप कैसे चेहरा। तो यहाँ चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एकदम चेहरा कैसे स्मूथ हो चुका है। तो इसका फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, अपने फोटो को शेयर कर पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे अपनी टूलविज एप्लीकेशन के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आ जाना है अपने टूलविज एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद अपने फोटो को यहाँ से एड कर लेना है। उसका ऐड करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं अपने फोटो पे हम। उसका देखिए यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। उसका इस पे शॉर्ट पे क्लिक करके सबसे इधर आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसका इस पे मैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे सारे क्लीन कर लेंगे, अपने फोटो को ज़ूम करेंगे, अपने हेयर पे ऐसे ब्रश करेंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से उसी तरह करना है आप लोग को, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसका शॉर्ट पे क्लिक करके यहाँ से आ जाना है। इस बार थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना है, मास्क पे क्लिक करके यहाँ से सारे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपने दाढ़ी पे से ब्रश करना है सिंपल से। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पेंट कैसे हो चुका है हेयर में। तो उसके बाद अपने फोटो को आप शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना हाई क्वालिटी में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।